दोस्तों, टीवी सीरियल कुंडली भाग्य को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि सीरियल में आते ही अपना नाम टीआरपी की चार्ट में नंबर वन कर दिया है। तो वहीं सीरियल में करण और प्रीता की जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आती है। लेकिन इनके अलावा इस सीरियल में सृष्टि के अभिनय को भी दर्शक खूब पसंद करते हैं, जो इसमें प्रीता की बहन और करण के भाई की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीरियल में करण के भाई की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री का रियल लाइफ बॉयफ्रेंड कौन है, क्या करता है, कैसे दिखता है? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही सीरियल कुंडली भाग्य के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कुंडली भाग्य में सृष्टि का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम अंजुम फकी है और इनका जन्म 12 सितंबर 1998 को मुंबई में हुआ। ये बचपन से ही अपना करियर मॉडलिंग और एक्टिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन इनके घर वाले इनके सख्त खिलाफ थे, जिसकी वजह से इन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया और मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए छोटे पर्दे पर आ गई। यहाँ आने के बाद इन्होंने टीवी सीरियल तेरे शहर से डेब्यू किया, जो कि एक हिट शो साबित हुआ। लेकिन इनको खास पहचान मिली सीरियल कुंडली भाग्य से, जिसमें श्रद्धा आर्य, प्रीता अरोड़ा और धीरज धूपर करण का किरदार निभाते हुए नजर आए। वहीं सीरियल में अंजुम फकी प्रीता की बहन यानी कि सृष्टि का किरदार निभाते हुए नजर आई थी और इनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन बात अगर करें इनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड की, तो उनका नाम है इरफान खान, जिनके साथ इनको हाल ही में देखा गया। इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर काफी वीडियो और फोटो शेयर किए, जिसको दर्शकों ने काफी पसंद किया है। इन वीडियोज और फोटोज में ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि अंजुम फकीह की शादी कब होगी और कब ये दोनों एक दूसरे को शादी के बंधन में बटोर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को अंजुम फकीह का बॉयफ्रेंड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।